हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार प्रधान स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल प्रधान टेक्निकल फोरम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किलन वॉल्यूम कैलकुलेशन। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब नया वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। फ्रेंड्स, DRI रोटरी किलन का एक रनिंग रोटेटिंग व्यू हम दिखाए हैं। ये एक 350 TPD किलन है। इसका हम अभी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए किलन को दो पार्ट में विभक्त किया, जैसे वन पार्ट जो है किलन का सिलेंडर और दूसरा पार्ट जो है कोन। ये जो सिलेंडर है इसका जो लेंथ है 73 मीटर है और कोन का जो लेंथ है सिलेंडर से कोन, इनलेट से 1.5 और आउटलेट से भी 1.5, और इनलेट का जो कोण डाया है 2.1 मीटर, आउटलेट का जो कोण डाया है 1.7 मीटर। टोटल किलन का लेंथ है 76 मीटर और किलन वॉल्यूम अभी निकालना है। हम किलन वॉल्यूम निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द इनलेट कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ द आउटलेट कोण हमको मिल जाएगा किलन का वॉल्यूम। लेंथ ऑफ द किलन 76 मीटर, इफेक्टिव जाया जो है 3.86 मीटर, इसका रेडियस होगा 3.86 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.93 मीटर। इनलेट कोण डाया जो है 2.1 मीटर, देन रेडियस होगा 1.05 मीटर। आउटलेट कोण डाया जो है 1.7 मीटर, इसका रेडियस होगा 0.85 मीटर, और इनलेट कोण लेंथ जो है 1.5 मीटर, आउटलेट कोण जो है लेंथ है 1.5 मीटर, सिलेंडर का लेंथ है 73 मीटर और किलन का लेंथ होगा 1.5 प्लस 73 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 76 मीटर। ये टेक्निकल डाटा को लेके हम अभी निकालेंगे किलन का वॉल्यूम। फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अभी हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ईयर गिविन डाटा जो है पाई का वैल्यू जो है 3.14, एच जो है लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो कि 73 मीटर, और आर इज इक्वल टू 1.93 मीटर। आर इज इक्वल 1.93 मीटर कहाँ से आया, जो इफेक्टिव डाया का मैं आधा लिया जो कि 1.93 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा 3.14 इंटू 1.93 इंटू 1.93 इंटू 73, जो वैल्यू आएगा 853.82 मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम इक्वेशन वन में रखा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ इनलेट कोन। वॉल्यूम ऑफ इनलेट कोन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई एच होल इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, जो कि गिविन डाटा जो है 3.14 पाई का वैल्यू है और एच इज इक्वल टू एल, दैट मीन्स कोन का जो लेंथ है 1.5 मीटर है और जो बिग आर जो है कैपिटल आर जो आर है 1.93 जो कि इफेक्टिव डाया का आधा है, और स्मॉल जो आर है 1.05 मीटर जो कि इनलेट कोन का जो डाया है उसका आधा है 1.05। तब वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा, इसका वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो मिलेगा जो आएगा 10.76 मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो कि इक्वेशन टू में उसको हम रखा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटलेट कोन। अभी इसका जो फॉर्मूला है 1/3 पाई एच होल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और इधर गिविन डाटा जो है पाई का जो वैल्यू है 3.14, एच इज इक्वल टू लेंथ जो कि कोन का लेंथ 1.5 मीटर, और कैपिटल आर जो है इफेक्टिव डाया का आधा है 1.93 मीटर, और स्मॉल जो आर है जो कि आउटलेट कोन डाया का आधा जो कि 0.85 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ आउटलेट कोन जो आएगा इसका ये वैल्यू पुट करने के बाद 9.5588 मीटर क्यूब जो कि इसको हम इक्वेशन थ्री में रखा। फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द किलन। वॉल्यूम ऑफ द किलन होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द बोथ कोन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी गेट दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ किलन वॉल्यूम जो होगा, जो कि इक्वेशन वन में हम मिला है 853.82 प्लस इक्वेशन टू में 10.76 प्लस इक्वेशन थ्री से मिला है 9.558,
जिसे तीनों को मिलाने के बाद हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द किलन 874.13 मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ द किलन। फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलेशन हम किए हैं, ये 350 टीपीडी जिसका जो लेंथ है 76 मीटर। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगेगा प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जैसे कि मेरा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। धन्यवाद।